हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक की रहम करम से फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और तो अभी मैं आज मुझे फिर आज से ट्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा मुझे वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि फिर मॉर्निंग से बच्चे थे घर में तो थोड़ा लेट हो चुका है। 10 हो गया, मैं पानी पी चुकी हूँ किशमिश का, आप लोगों ने देखा अभी। और अभी मैं किचन में जाकर के राइस चढ़ा दी हूँ क्योंकि आज शाम को अभी जल्दी निकलना है कहीं, तो उनको नाश्ता वगैरह सब टाइम से चाहिए। तो मैं सोची कि मैं अपना खाना वगैरह भी बना के कंटिन्यू करके ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे आज वीडियो भी शूट करना है, तो इसीलिए अलग से आपके लिए हो सकता है तो मैं आज फिर शूट करूँगी अलग से पर्सनली आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो कुछ, तो वो करना है। और अभी आप लोग मेरे साथ जो जो ये जर्नी स्टार्ट किए हैं आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग को कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है ये भी बताते रहिए। तो कल जो फ्रेंड्स आपने देखा फ़िश आया था, वही फ़िश जो है उसी की सब्ज़ी बनेगी। उसमें मैं वो बरबट्टी, बहुत सारे लोग उसको फली बोलते हैं, उसको मैंने अलग से कट करके थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया, उसको डाल के उसी की आज वही फ़िश बनेगा। और पता नहीं क्यों मॉर्निंग से आज मैं उठी तो यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा गला फंस रहा है फ्रेंड्स, शायद कोल्ड इशू हो रहा है हल्का फुल्का, पता नहीं क्या, और देखिए बार बार हो रहा है। और फ्रेंड्स कल आपने देखा है शाम ने मुझे बैक टू बैक दो सरप्राइज़ दिया, उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी ला के दिया और मुझे ब्राउन ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था, नहीं आ रहा था घर में, लेकिन कल उन्होंने, पता नहीं हमने बोला भी नहीं था मगर उन्हें कैसे दिल में आया तो उन्होंने मेरे लिए लिए आया, जब तक कि मैंने उनको मना भी किया कि आइसक्रीम ये सब एक्स्ट्रा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं बहुत दिन हो गए थे ये ब्राउन ब्रेड तुमको खाए हुए, तुम बार बार उस चीज़ को बोलती थी इसलिए हमने ला दिया। तो आज नाश्ते में अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने फ्रेंड्स, खाना तो एक तरफ बन रहा है, एक तरफ नाश्ते बनाऊँगी और नाश्ते में एग और वही ब्रेड का एक ब्रेड बनाऊँगी और उसी में हम नाश्ता करेंगे। और आप लोग क्या करते हैं नाश्ता हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स किचन में चलते हैं, फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। फिर जी क्या क्या चीज तो जमीन भाई बोला कि 3,000 रुपया, तो हम 3,000 रुपया तो बोला हाँ, तो हम लोग वहाँ तो बोला कि 7,000 रुपया। और यहाँ भी फ्रेंड्स हम मेरी और शैम की डिस्कशन हो रही थी इस बात पे कि आप लोगों को पता है मैंने कई ब्लॉग में शेयर किया कि यहाँ इस बिल्डिंग का मोटर ख़राब हो चुका है, तो जी हाँ यहाँ के जो बिल्डिंग वाले हैं उन्होंने मोटर बनाने के लिए दिया, मगर पता है फ्रेंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना पैसा लग रहा है मोटर बनाने में उससे ज़्यादा चार्ज किया है हम लोगों को, और ये चीज़ हम लोगों को पता चल चुका है। तो उसी टॉपिक पर बात हो रही थी हम लोगों की, मोटर बनाने में 3,000 रुपया खर्च हो रहा है फ्रेंड्स, और जो बिल्डिंग वाले हैं उन्होंने हम लोगों से कहा है कि 7,000 रुपया लग रहा है, तो इसलिए हम लोगों पे पैसा ज़्यादा बन गया है उस हिसाब से। तो इसी टॉपिक पे बात हो रही थी और बात करते करते हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था और मैं देखिए रूम में आकर के बैठ के आराम से खा रही थी, और मैं 32 टाइम चू करके खा रही थी। फ्रेंड्स आप भी 32 टाइम चू करके खाना। हमने अच्छे से नाश्ता बना करके नाश्ता भी कर लिया, फिर मैं किचन में गई डियर, आप लोगों ने अभी देखा ही मेरा जो फिश वगैरह था वो भी बन चुका है, और मतलब लंच पूरा रेडी, दाल चावल और वही फिश बना, लंच पूरा रेडी हो गया। अब मैं हो गई हूँ किचन के काम से फ्री, मगर आप लोगों के लिए कुछ काम करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मैं वर्कआउट का वीडियो डालूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ आज वो वीडियो शूट करने का आप लोगों से, अगर आज हो जाएगा तो मैं कल शेयर करूँगी, या अगर आज टाइम से हो गया फ्रेंड्स तो आज ही शेयर कर दूँगी, नहीं तो कल पक्का जाएगा।
और फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे हैं कि क्या मैं जो शाम में 6 बजे अपना डिनर करती हूँ उससे बहुत सारी मेरी डियर है उनको लगता है कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ। तो नहीं डियर, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग अभी तक नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ डाइट आप कोई सी भी लो, कुछ भी लो, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने अपने साथ जो फील किया, अपने बॉडी पर जो एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आप 6 बजे के अंदर अपना डिनर कम्प्लीट करते हो तो आप जब मॉर्निंग में उठोगे तो आपको बहुत हल्का फुल्का भी फील होगा, और जब पूरी रात आपकी पेट लॉन्ग टाइम तक खाली रहेगी फ्रेंड्स तो बॉडी आपकी अच्छे से वर्क करेगी, आपके बॉडी में जो फैट रहेगा एक्स्ट्रा फैट उसको बर्न करेगी। और यहाँ पे देखिए शाम बनाना ले आए थे, ये 20 रुपये का इतना सारा बनाना और ये एक शरीफा भी फ्री था फ्रेंड्स बहुत लेट हो गया खाना वगैरह बनाने में और नाश्ता वगैरह करने में। एक्चुअली आज से मंडे है और आज से बच्चों का ट्यूशन स्टार्ट हो चुका है, आज से ऐसे ही मुझे मतलब ब्लॉग शूट करने में दिक्कतें आती रहेंगी, फिर भी मैं कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करके इसी में से टाइम निकाल करके आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करती रहूँगी। और अभी बच चुके हैं फ्रेंड्स 12 बज चुके हैं और अब मेरा वर्कआउट का टाइम हो रहा है, एक्चुअली ज़्यादा टाइम हो चुका है वर्कआउट के लिए, तो जल्दी से चलते हैं फ्रेंड्स वर्कआउट करते, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ओके फ्रेंड, हमारी वर्कआउट हो गई है कंप्लीट और अब बजने वाले सॉरी 1:15 हो रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए हमने वीडियो भी शूट किया है वर्कआउट का, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जाके हमारे वीडियो को वॉच कर लीजिए आप लोग और मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिए उस पर और आप उसे कीजिए, हम पे यकीन रखिए आप बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड मैं फ्रेश होती हूँ, मतलब मैं नहा करके फ्रेश हो करके और अभी मुझे प्यास लग रही है सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी और आप लोग भी थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते जाएँ, थोड़ा थोड़ा ही करके पानी पीते जाएँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पानी पीने, पानी पी करके फिर मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट मतलब थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करूँगी बॉडी को, क्योंकि अभी हमने जस्ट अपना वर्कआउट ख़त्म किया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नहाने चली जाऊँगी, नहा करके आ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा करके आ गई और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, लेकिन मैं लंच अभी नहीं की हूँ, पहले सोची कि मैं 2-4 बातें आप लोगों से कर लूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसका तो रिप्लाई मैं बाद में करूँगी वो खाना खाने के बाद, या फिर खाना खाते हुए लेट हो जाएगा, बच्चे पढ़ने आ जाएंगे तो उनको जब बच्चे पढ़ के चले जाएंगे तो शायद मैं रिप्लाई कर पाऊँगी। तो मुझे ऐसे एक दो कमेंट आ रहे थे, जिनमें से एक कमेंट है, आपको कल मैं वीडियो डाली थी फ्रेंड्स उसमें जो एक कमेंट आया था जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, तो उन्होंने लिखा था गुड एक्टर TRP के लिए आंसू बहा करके यूट्यूब पे TRP कमा रही है, तो उनको हमने रिप्लाई किया था और थोड़ा सा तो मतलब उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मुझे समझ में नहीं आता, हालाँकि मैं उनको पर्सनली ना जानती हूँ ना कुछ भी, उनको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, क्या दिक्कत हुई है उनको। तो उन्होंने आज मैं जैसे नहा करके निकली हूँ फ्रेश हो करके, तो मैं ऐसी फ़ोन उठाई तो देखी कि उनका कमेंट ऊपर हाईलाइट कर रहा था कि उन्होंने लिखा है हमने TRP दिलवा दी आपको सिस्टर, गुड लक। और उन्होंने एक बहुत ज़ोर से हंसने वाली मजाक उड़ाने वाली इमोजी नहीं होती है वो 2-4 उसमें लगाई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, उनको क्या है मुझसे, क्या आपको डियर मुझसे क्या, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आपको ऐसा क्या है पर्सनली, अगर आपको लगता है कि मैं रो करके जान के ज़बरदस्ती ये सब ड्रामा करके TRP कमा रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता भी है तो भी वो मेरा प्रॉब्लम है ना, वो अल्लाह पाक मुझसे समझेंगे ना कि अगर मैं गलत करके कुछ भी गलत कहानी अपनी ज़िंदगी की बना करके और सोशल मीडिया पे डाल करके या लोगों के इमोशंस के साथ अगर मैं खेल रही हूँ तो उसकी सज़ा मुझे अल्लाह पाक देंगे ना, आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है और आपको क्या प्रॉब्लम है सिस्टर, मुझे समझ में नहीं आता है। कल जो मैं इन्हीं का जिनका मैं अभी बात कर रही हूँ उनका ही मैं जो वीडियो में रिप्लाई की, तो उस पर आपको पता है प्रिया सक्सेना करके एक सब्सक्राइबर है मेरी, हमारी बहन जो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है, उन्होंने मुझे लिखा था कि एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी और शायद मैं अब वो जो कल बोली थी मैं उससे एग्री की थी, लेकिन अब ये बात सही है कि मैं इसको ही अपने लाइफ में उतारूंगी। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है फ्रेंड, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, प्रिया सक्सेना उनके आईडी का नाम है, उन्होंने लिखा है, मुझे लिखा था पर्सनली कि मैंने कल भी बोला था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, इसे अपनी लाइफ में उतार लो खुश रहोगी, ये दुनिया है यहाँ सब बोलते हैं अच्छा करो तो बुरा हो तो डियर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा, कल ऐसे कल ही ये लाइन मुझे बहुत अच्छी आपकी लगी थी,
लेकिन आज जब फिर से वही में हमारी सिस्टर जिनको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने फिर से मेरा मजाक उड़ाते हुए जो कमेंट किया है तो थोड़ा मुझे हर्ट हुआ ऐसे। मगर इस बात पे मैं नहीं रोऊंगी, नहीं तो उनको लगे फिर से मैं और TRP कमा रही हूँ, रो रही हूँ, नाटक कर रही हूँ। तो बस मैं इतना कहूँगी कि आपका प्रिया सक्सेना जी माई डियर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इतनी अच्छी लाइन मुझे दी और सही में ये लाइन मुझे अपने लाइफ में पर्सनली उतारना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइन से सही में जब वो जो अभी कमेंट की है, मेरा मजाक उड़ाई है, तो उस कमेंट को जैसे ही मैं पढ़ी ना मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन फिर मैं आपकी लाइन जब पढ़ी ना, फिर से मैं उस आपके मैं इस पे गई कमेंट पे उस लाइन को मैं पढ़ी, तो पता है मुझे बहुत सुकून मिला और मुझे लगा नहीं आपने सही कहा, मुझे ये करना ही होगा, मुझे अपने लाइफ में इस चीज़ को सही में उतारना होगा। तो थैंक यू प्रिया सक्सेना जी, आप ऐसे ही मुझे जहाँ पे मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ूँ मुझे ऐसी गाइड करते रहिए, मुझे ऐसी हिम्मत देती रहिए आप। और बहुत सारी सिस्टर है जो मुझे बहुत हिम्मत देती हैं, नहीं तो अभी देखिए ना मेरी लाइफ मैं क्या बोलूँ, इनको मैं जानती भी नहीं हूँ, अब वो 2 दिन से मेरे पीछे पड़ गई हैं, तो क्या ही बोलूँ। आप बोली मजाक उड़ा रही है मेरा, जबकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ। एक होता है ना कि आपका मैंने एक दिन का बराबर भी नुकसान नहीं किया, फिर आपको क्या तकलीफ है मुझसे, वो तो आप ही जानेंगे और अल्लाह बेहतर जानेंगे। खैर उन सब बातों को छोड़ती हूँ। और हाँ, एक और कमेंट जो मुझे आ रहा है जिनका मैं ख़ास करके रिप्लाई करना चाहूँगी, वो है हमारी डियर, उनका ID है जमा मंसूरी। उन्होंने मुझसे कहा वाटर राइट हैंड से पीना चाहिए। तो डियर ये बात सही है और मैं राइट हैंड से ही पीती हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपने किया। मैंने हर वीडियो में आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती होंगी, छोटी मोटी या बड़ी जो भी, आप लोग जब भी उस चीज़ को मेरे ब्लॉग में देखें मुझे टोका करें उसी टाइम, क्योंकि मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा। हाँ, आप मेरे घर में जो कुछ चीज़ें हैं कमी हैं, अगर उस चीज़ का आप मजाक उड़ाते हैं तो वो चीज़ें मुझे हर्ट होगी, बाकी और कोई चीज़ें नहीं। मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ गलतियाँ होती हैं, तो उसको आप मेरी बहन बन के, मेरी अपनी बन के अगर उस चीज़ को समझाएंगे तो मुझे उससे और ज़्यादा खुशी मिलेगी कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, कि मुझ पर इतना हक दिखाते हैं, रोकते हैं, मुझे टोकते हैं, उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और उससे ही बड़ी चीज़ की, और हाँ, तो मैं पानी राइट हैंड से ही डियर पीती हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ सही है, आपने सही कहा है। मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो क्योंकि मैं राइट हैंड में कैमरा को पकड़ लेती हूँ, सॉरी फ़ोन को अपने, और जब आप लोगों को दिखाना होता, थोड़ा शूट करना होता, तो मैं पानी अक्सर क्या करती हूँ उस टाइम, सिर्फ उस टाइम लेफ्ट हैंड से पी लेती हूँ। लेकिन फिर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, वो शूटिंग के टाइम होता है, तो मैं आगे से उस चीज़ का भी ख्याल रखूँगी कि जब मैं शूट करूँ तो कैमरा को है ना लेफ्ट हैंड से पकड़ूँ और राइट हैंड से ही पानी पीऊँ। तो उसके लिए शुक्रिया, और मुझे अच्छा लगा आपने टोका। और हमेशा मुझसे जो भी गलतियाँ आप लोगों को देखेगी, प्लीज़ आप लोग हमें ऐसे ही टोकते रहना, ताकि मैं जो गलतियाँ मुझसे हो रही मैं वहीं पर उसको ख़त्म करूँ। लेकिन उन्होंने फिर कमेंट किया मुझे कि मैं मक्का में रहती हूँ, इंशाल्लाह आपकी आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी जब भी हरम जाना होगा, अल्लाह करे। और आप दीन और दुनिया की हर नेमत से नवाजे अल्लाह आपको, आमीन या रब, अल्लाह हाफिज़। तो आमीन मैं बोलूँगी। और मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आप मक्का से हैं और मक्का से मुझे लोग देखते हैं, भले ही शायद वो आप ही होंगी एक, लेकिन जो भी हो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है। और मक्का मदीना ये तो मेरे लिए नाम ही ऐसा है कि मैं सुनते ही पता नहीं मेरे दिल दिमाग में क्या होने लगता है और वहाँ के लोगों के लिए क्या होने लगता है। तो बहुत शुक्रिया कि वहाँ से आप मुझे देखी और मुझे मेरे लिए कमेंट की, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और मुझे मक्का मदीना ये सुन के ही मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी सी आ जाती है। मुझे मन करता है कि काश मैं वहाँ जा पाती, वहाँ के लोगों को से मिल पाती, उस जगह को देख पाती। मुझे पता नहीं क्यों इसका बहुत मन है, लेकिन पता नहीं, देखती हूँ अल्लाह क्या करते हैं। और लेकिन आप वहाँ से मुझे कमेंट किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी और मेरे अल्लाह का भी कि मेरी चीज़ें मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ, वहाँ के लोगों तक। और डियर मुझे ऐसे ही कमेंट आप करते रहना, और मुझे ऐसी ही मेरी गलतियों में आप बेहतर रोक टोक जानती होंगी हर चीज़ें मुझसे, तो हर चीज़ों को रोकते टोकते रहना। और आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहना और मुझे सपोर्ट करना प्लीज़।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मतलब अभी के लिए सॉरी आज के लिए ना अभी के लिए इतना, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी आप लोगों के साथ शेयर भी करना अपना डिनर। हालांकि मैं जो बनाई हूँ वो तो आपसे शेयर कर ही चुकी हूँ, लेकिन चलिए आप लोगों को खाते हुए भी तो दिखाना है। तो चलिए फिर, अब मुझे भूख लग रही है, बच्चे आ जाएंगे फिर ट्यूशन के लिए, फिर मेरा खाना पीना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों के सामने फिर एक तो पढ़ाना भी है, दूसरा कि अगर थोड़ा सा टाइम निकाल करके उनको छोड़ नहीं सकते, वो लोग कैमरा उठा मतलब फ़ोन उठाने कैमरा चालू करने से ही ना वो लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे कि मैं क्या कुछ अजूबा कर रही हूँ। तो मैं भी थोड़ी शाई हो जाती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है ना ये सब करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आप लोगों से लंच पे। देखिए फ्रेंड, आज हमने लंच में लिया ये राइस जो घर में, वही फिश जो हमने बताई थी उसकी ढेर सारी, इसमें फली डाली थी तो इसकी ढेर सारा, देखिए सब्ज़ी के लिए मैं ढेर सारा फली और दो फिश हम लिए हैं, और ये देखिए प्याला भर के दाल। तो ये रहा आज का मेरा लंच। आप लोग क्या करेंगे लंच, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं खाना खा ही रही थी, खाते खाते ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा 32 टाइम चू करने के चक्कर में, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम लगता, बच्चे आ गए थे हमारे ट्यूशन के, और उसके बाद बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते फिर हो गई थी शाम। शाम में मैं बच्चे जाने के बाद मुझे कॉफ़ी पीने का मन था, तो हमने अपने लिए कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी बना करके बैठ के आराम से कॉफ़ी पी रही थी। और यहाँ पे दाल घर में ख़त्म हो चुका था, आज लास्ट बना था दाल, तो हमने शैम को बोल दिया था कि दाल ख़त्म है, बर्तन धोने का साबुन ख़त्म है और प्याज ख़त्म है, तो उन्होंने थोड़े थोड़े करके वो सारी चीज़ें ले आए थे। और हाँ फ्रेंड, मैं आज डिनर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं, और मैं ज़बरदस्ती का अपने पेट में खाना डालना बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो यहाँ पे मैं खाना अपना डिनर स्किप करूँगी। और ये शाम के लिए थोड़े से हमने राइस चढ़ा दिए हैं, और वो दिन की मछली बची उसके साथ वो उनका डिनर हो जाएगा कम्प्लीट। और हमने दिन में जीरे का पानी रख दिया था, तो वो जीरे का पानी मैं सॉरी फ्रेंड्स शूट करना उस टाइम भूल गई थी, तो वो जीरे का पानी मैं पी लूँगी। ये होगा मेरा लास्ट, दिन भर का ये लास्ट है मेरा रूटीन। और अगर आप लोगों को भूख लगी हुई है फ्रेंड्स, तो आप लोग डिनर करना, जो आपके घर में जो भी सब्ज़ी वगैरह बनी होगी, रोटी चावल जो भी बने होंगे, बस आपको जितना खाने का मन होगा उतना खाना, 32 टाइम चू करके खाना फ्रेंड्स। और अगर नहीं भूख लगी है तो ज़बरदस्ती खाने को पेट में मत डालना, और ऐसे ही सो जाना मेरी तरह नाइट ड्रिंक लेकर के। तो यहाँ पे मैं जीरे का पानी धीरे धीरे करके पी रही हूँ फ्रेंड्स, और आप भी अपना नाइट ड्रिंक में आपको जो पसंद हो आप भी चेंज कर करके लेना, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा बॉडी पे, क्योंकि आप एक ही चीज़ रोज़ रोज़ लोगे तो उससे बॉडी को भी वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगा, वो भी वर्क कम करेगा, तो इसलिए चेंज करके ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे ढेर सारा प्यार देना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।